गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मनुष्य द्वारा कार्य से बचने के कारण। ये हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का पेपर औद्योगिक समाजशास्त्र, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के तहत है। कार्य एक ऐसी क्रिया है जो निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है, समाज की सुविधा एवं अधिकतम कल्याण के लिए समूह मिलकर प्रयास करता है। प्रयास की विभिन्न क्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है तथा एक विशेष प्रकार की क्रियाओं को ही कार्य कहा जाता है, जिन्हें किसी व्यक्ति को करने के लिए कहा जाता है। मनुष्य कार्य क्यों करता है, इसे विभिन्न कारकों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। सामान्यतः अगर हम देखें तो समाज के अधिकांश व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कार्य से बचना चाहते हैं। उन्हें कार्य करना भार लगता है तथा वे कार्य को टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि एक और तो मनुष्य स्वभाव से कार्य करने की प्रवृत्ति रखता है, इससे उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, फिर भी वह उसे टालने का प्रयास क्यों करता है। आज औद्योगिक समाज में कार्य को टालने की समस्या पहले की तुलना से और अधिक हो गई है, जिसके कुछ कारण हैं जिन पे आज हम देखेंगे। पहला है कार्य में कठिनाई। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में कुछ कार्यों का निष्पादन बड़ा ही जटिल होता है। कार्य के करने में तकनीकी सूक्ष्मताएं ज़्यादा हो गई हैं, साथ ही मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग ने कार्य को नीरस बना दिया है। अतः कार्य की कठिनाइयों एवं नीरसता से बचने की दृष्टि से मनुष्य कार्य को टालना चाहता है। तो पहला हमने ये पॉइंट देखा कि कार्य में कठिनाइयाँ, जिसमें हमने देखा कि मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होने से कार्य नीरस बन गया है और नीरसता से बचने के लिए मनुष्य कार्य को टालना चाह रहा है। नेक्स्ट है कार्य की दशाएं। कुछ कार्यों की कार्य दशाएं बहुत ही निम्न स्तर की हैं, जिनके कारण व्यक्ति को कार्य करने में कष्ट अनुभव होता है, जैसे शुद्ध वायु एवं पर्याप्त प्रकाश का अभाव, कार्य के अधिक घंटे। अतः व्यक्ति इन कष्टदायक दशाओं से बचने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है वैयक्तिकता को महत्व ना देना। आज की औद्योगिक व्यवस्था में मशीनों का महत्व इतना बढ़ गया है तथा व्यक्ति का महत्व कम हो गया है। पूरे उद्योग में एक मनुष्य का महत्व बहुत ही नगण्य हो गया है। उदाहरण के तौर पे हम अगर देखते हैं कि स्कूटर के कारखाने में एक श्रमिक एक निर्धारित माप का पेच बनाता है तो स्कूटर निर्माण में उसका योगदान बहुत ही कम है, तथा जिस मशीन को वह प्रयोग करता है उसे किसी भी श्रमिक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
इससे किसी व्यक्ति विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं मिलता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उद्योग में उसका योगदान नगण्य होने से उसमें दायित्व एवं गौरव की भावना ज़्यादा विकसित नहीं होती, जिससे कार्य के टालने में वह कोई खतरा अनुभव नहीं करता। तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति कार्य से इसलिए भी बचता है क्योंकि उसे पता है कि वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य का कोई भी महत्व नहीं है। मनुष्य का महत्व तो सिर्फ नगण्य है, इसलिए उसे अपने दायित्व में ऐसा नहीं लगता कि अगर वो कार्य करेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा गौरव की भावना विकसित होगी, लेकिन उसे लगता है कि वो जो कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए व्यक्ति कार्य को टालने में कोई खतरा अनुभव नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो दायित्व में कमी आई है, दायित्व बहुत कम होता जा रहा है और उत्पादन की क्रिया में बड़े पैमाने पर विशिष्टीकरण पाया जाता है। विशिष्टीकरण से मतलब है स्पेशलाइजेशन, यानी जो किसी एक कार्य के लिए वो पारंगत है। तो माल की व्यवस्था व विक्रय का कार्य उसका नहीं होता, यानी उसे ये नहीं करना है कि माल की भी व्यवस्था करना है या जो तैयार है उसका विक्रय करना है। एक ही कार्य को करने के लिए बहुत से व्यक्ति होते हैं, यानी अगर कुछ उद्योग में कुछ बन रहा है तो हर एक का अपना अपना विभाग होता है जो उस कार्य को करने में अपना योगदान देता है। तो उत्पादन क्रिया में अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है, यानी जो उत्पादन होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ना होकर सबका अपना अपना जो विशिष्टीकरण होता है उसके आधार पर वो अपना दायित्व निभाते हैं। तो उत्पादन की क्रिया में अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। तो इस कारण से व्यक्ति अपने कार्य के प्रति रुचि कम लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका तो कोई दायित्व है नहीं, जो दायित्व है वो सभी का है। तो इस कारण से अपने कार्य में रुचि कम लेता है तथा कार्य की उपेक्षा करने पर भी किसी हानि की बात नहीं है। उसे पता है कि अगर वो सही से कार्य नहीं करेगा तो भी कोई उसको हानि नहीं पहुंचेगी। इस कारण से, क्योंकि संपूर्ण कार्य में उसका दायित्व का अंश बहुत कम होता है, इसलिए उसमें दायित्व में कमी आ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा कार्य से बचने के जो हमने कारण देखे कि मनुष्य क्यों एस्केप करता है कार्य से अपने आप को, क्योंकि कार्य में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण जो कार्य है वो नीरस बन गया है और कार्य की दशाएं कुछ इस तरह से है कि ना तो उसे शुद्ध वायु पूरी तरह से मिलती है, ना ही पर्याप्त रूप से प्रकाश का मिलता है, और कार्य के घंटे अगर अधिक हैं तो इन कष्टदायक दशाओं से बचने के लिए भी व्यक्ति कार्य से बचने का प्रयास करता है। फिर है, उसे लगता है कि मशीनों का महत्व बढ़ गया है, उसका अपना कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि जो उसका योगदान है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है, और अगर वो कोई दायित्व जो करता है उसमें कोई उसको गौरव की भावना उसमें विकसित नहीं होती, इसलिए उसे लगता है कि कार्य को टालने में कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं दायित्व में कमी।
क्योंकि दायित्व में कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उत्पादन की जो क्रिया बड़े पैमाने पर हो रही है उसमें उसके द्वारा ही सारे सारा कार्य नहीं किया जा रहा, बल्कि ये एक टीम वर्क के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है। इसलिए वो अपनी कार्य में कम रुचि लेता है और उसे पता है कि अगर वो कार्य में की उपेक्षा भी करेगा तो कोई उसे हानि नहीं होगी, इसलिए उसके दायित्व में कमी आती जा रही है। तो इस तरह से हमने देखा है कि मनुष्य द्वारा जो कार्य से बचने के क्या कारण हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, COVID-19 से जो ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, आप अपना बचाव रखिए और आप जहाँ भी जाते हैं अगर बहुत आवश्यक कार्य हो तभी आप जाएं, और बार बार हाथ धोते रहें, और जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, अपने और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने राष्ट्र का पूरा ध्यान रखें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।